हेलो बच्चों, सो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, नए जोश के साथ नया क्लास, क्योंकि लास्ट क्लास आपको थोड़ा सा हैवी लग सकता है, बट मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ अगर आपको 50% भी उस क्लास का समझ में आया होगा तो मेरा काम बन गया, मेरे लिए आसान हो जाएगा। और मैं आपको जैसे ही हम क्वेश्चन बताऊंगा, बट आपको ये पता चलना चाहिए उस टाइम क्वेश्चन बताते टाइम कि हाँ ये कुछ होता है। प्रॉपर्टीज में हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस इतना आपको पता चलना चाहिए। अब अगर आपको इतना पता चलेगा तो मैं आपको आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही इतना क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो आपका दिमाग लास्ट में अपने से ऑपरेट करने लगेगा। और ये यहाँ पे आप एक प्रिकॉशन बस रखिएगा। प्रिकॉशन क्या रखिएगा, आप हमेशा क्या करिएगा, एक अलग नोट कॉपी में उन सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा। मैंने मैट्रिक्स के समय भी ये कंसेप्ट बताया था कि आपको दो कॉपी बनाना है, तो एटलीस्ट इस चैप्टर में तो एकदम से बनाइएगा। और कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का, समझने का, हर एक अप्रोच, हर एक प्रॉपर्टीज को समझने का, क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछ के अपने आप से आंसर ढूंढने का। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने किन प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। और प्रॉपर्टीज मतलब क्या, मैंने आपको क्या समझाया था, प्रॉपर्टीज मतलब क्वेश्चन में छेड़छाड़, क्वेश्चन को बदलना, अपने अकॉर्डिंग अपने सुविधा अनुसार लाना। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करने, छेड़छाड़ करते टाइम आपको याद क्या रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आंसर डिटरमिनेंट का या क्वेश्चन का चेंज हो जाए। अगर आंसर चेंज हो गया फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, वो अप्रोच गलत हो जाएगा। तो बहुत ही केयरफुली, आप समझ सकते हो, बहुत ही सावधानी से हम लोगों को करना है, इस अप्रोच को फॉलो करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में सबसे पहला जो मैंने आपको समझाया था, जो आपको बताया था कि हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी रो या कॉलम को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहला कंसेप्ट बताया था लास्ट क्लास में कि अगर कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि R1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 3R1। तो एक नया डिटरमिनेंट हमने तैयार कर दिया जहां पे एलिमेंट R1 में छेड़छाड़ कहाँ कर रहे हैं, यहाँ ये बताएगा छेड़छाड़ किसके साथ हो रहा है, तो R1 के साथ हो रहा है। कैसा हो रहा है, तो वो बदल के नया रूप में आ रहा है, 3R1 के रूप में आ रहा है। तो R1 में जितने भी एलिमेंट है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, और बाकी R2 और R3 ऐसे ही रहेगा। तो मैंने आपको बोला था आप किसी भी रो इसी तरीके से किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको याद क्या रखना है, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो 3 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपको याद हो तो ये प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू उतना टाइम्स बढ़ जाता है। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और अगर हम यहाँ पे 3 से डिवाइड ना करें तो इस पूरे का वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे जैसे ही आपने किसी रो को या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो तुरंत आपको क्या करना है, उसी नंबर के साथ उस पूरे डिटरमिनेंट को डिवाइड कर देना है, जिससे कि आंसर चेंज ना हो। तो ये था पहला प्रॉपर्टीज जो आपको दिमाग में रखना है। दूसरा बात दिमाग में क्या रखना है कि जब कभी भी कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए, जब कभी भी दो रो या दो कॉलम को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपका बेसिक राइट है। आपको डिटरमिनेंट का क्वेश्चन दिखे आप छेड़छाड़ कर सकते हो। कैसा छेड़छाड़ कर सकते हो, एक नया डिटरमिनेंट तैयार कर सकते हो जो कि बना हुआ हो, जिसमें R1 के जगह क्या हो, R1 + R2, मतलब नया डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो R1 के जगह अब क्या आएगा, R1 + R2। तो इच एलिमेंट को ऐड कर दीजिए 1 + 4 और ये R1 में ही आएगा। क्लियर है ना? तो R1 में अब क्या हो जाएगा 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 7, 3 + 6 = 9, 4 + 7 = 4,
5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ तो कोई ऑपरेशन हो नहीं रहा। क्लियर है? तो दूसरा कंसेप्ट है कि हम लोग एक डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो को ऐड कर सकते हैं, कोई भी दो कॉलम को ऐड कर सकते हैं और एक नया कॉलम जो बनेगा, लेकिन उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो आंसर डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा सेम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। तो आप एक बार कैलकुलेट करके देखें कि क्या ये डिटरमिनेंट और ये जो नया डिटरमिनेंट तैयार हुआ है, इन दोनों रो को ऐड करने से नया R1 का जो फॉर्मेशन हुआ है, क्या कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आपको थोड़ा सा करके चेक कर लेना है, अपने के लिए प्रूफ कर लेना है। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू, उस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये समझने का तरीका बताया था, यहाँ पे आपको कोई बताएगा नहीं, आपको सारे प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करके समझना होगा, उसको अप्लाई करना होगा। तो क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट दे देगा आपको कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, तब तो हम बोलेंगे कि डायरेक्ट भाई साहब यहाँ पे R2 और R3 सेम हो जा रहे हैं, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको यहां दे देता 9, 18, 27, तो हम क्या यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 into 9, 9 हो गया, 2 into 9, 18 हो गया, 3 into 9, 27 हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता, जो छेड़छाड़ करना होता वो किसके साथ करना होता, R1 के साथ। कैसा छेड़छाड़ करते, तो R1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते, तो क्या हो जाता हमारा नया डिटरमिनेंट जो तैयार होता, 9 into 1, 9, 9 into 2, 18, 9 into 3, 27, बाकी जो बचा हुआ वो ऐसे ही लिख देते। अब देखते कि R1 और R3 सेम है, तो चूंकि इसलिए R1 और R3 सेम है, सो पूरे वैल्यू जीरो लिखते और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था 9 के साथ, यहाँ पे डिवाइड करते, लेकिन आंसर चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि R1 जीरो, इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाता और जीरो डिवाइडेड बाय 9 कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो रहेगा। तो ये हमारा था थर्ड कंसेप्ट। अब आगे आज हम लोग नए कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज का अंत होगा और क्वेश्चंस का शुरुआत होगा। जहाँ बोलते हैं ना एक अंत आता है, मूवीज का कोई डायलॉग वायलॉग है कि कोई अंत एक नए शुरुआत को जन्म देता है, तो जैसे प्रॉपर्टीज खत्म होगा आपके लिए नया क्वेश्चंस तैयार है, टैकल करना आपको, उसको संभालना है। थोड़ा सा इसमें मैं इंक, एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज नंबर, अगर आपको याद हो तो पीडीएफ में हमने अभी तक कौन कौन से प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, प्रॉपर्टीज नंबर सिक्स, फिर प्रॉपर्टीज नंबर सिक्स, फाइव को हमने डिस्कस नहीं किया, फोर को डिस्कस किया, और फोर के बाद हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज नंबर थ्री को। अब वन नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला प्रॉपर्टीज क्या है डिटरमिनेंट का कि द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रोज आर चेंज इनटू कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, क्या बोलता है कि भाई साहब जब किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर, हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1, 1, और यहाँ पे मैं सिर्फ 2 into 2 ऑर्डर का ले रहा हूँ, आप 3 into 3 यहाँ पे दिया गया है और आपको प्रूफ करना है, ये आपका ड्यूटी है, ये आपका रेंट वर्क या होमवर्क है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि
जब भी किसी डिटरमिनेंट के रो को चेंज किया जाए, किसमें रो को कॉलम बना दिया जाए, और याद हो अगर आपको जब ऐसा करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैट्रिक्स के भाषा में, ट्रांसपोज बोलते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, जब भी किसी डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट के रो को कॉलम बना दिया जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पहला रो क्या है 1 1, तो इसको पहला कॉलम हमने बना दिया तो ये क्या हो गया 1 1। सेकेंड रो क्या है 1 2, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड कॉलम 1 2। अब बोलता है कि भाई साहब इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, क्यों भरोसा करें हम। तो क्या हो जाएगा 1 into 2, 2 minus 1 into 1, 1, 2 minus 1, 1, 1 into 2, क्या हो जाएगा 2 minus 1 into 1, 1। तो ध्यान से देखिए 1, तो दोनों क्या आया सेम ही आया। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना रहे हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो डिटरमिनेंट का ये है प्रॉपर्टीज नंबर पहला, कि आप किसी भी रो अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट में सारे रो को कॉलम बना दे रहे हो या फिर सारे कॉलम को रो बना दे रहे हो, बात तो एक ही है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। अब आपका रेंट वर्क क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने एक डिटरमिनेंट दिया है जिसका वैल्यू मैंने वहां पे लिखा है 1 2 3 5 6 7 3 7 10। तो सबसे पहले आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज करना है, फिर प्रॉपर्टीज जो बोल रहा है, प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि अगर कोई डिटरमिनेंट तैयार हुआ है रो को कॉलम बनाने से, तो सबसे पहले बनाना है और उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो नया डिटरमिनेंट हम लोगों का क्या बनेगा 1 2 3 5 6 7 3 7 10। तो अब आपका काम क्या है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है और देखना है क्या जो प्रॉपर्टीज बता रहा है सही बता रहा है। अगर सही बता रहा है फिर दिमाग में उसको रख लेना है, अगर गलत बता रहा है फिर आपको मैसेज करके पूछना है, क्योंकि अगर गलत आ जाए फिर दिक्कत है, गलत नहीं आना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो ये था प्रॉपर्टीज नंबर्स फर्स्ट। तो सबसे मेन जो प्रॉपर्टीज था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था वही सारा प्रॉपर्टीज मेन था, ये सारा छिटपुट है, इसका यूज उतना है ही नहीं, बट इसको भी क्योंकि हमने उसको पढ़ा, इसको नहीं पढ़ेंगे तो बेचारा रोने लगेगा, तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये था प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड नंबर देखिए क्या है, और इसको मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। बोलता है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, बहुत ही ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, इफ एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज इंटरचेंज्ड। अब ध्यान से पहले इसका मतलब समझते हैं फिर प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, इफ एनी टू रोज, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब आर वन, और जब भी इंटरचेंज करेंगे तो ऐसा एरो देंगे R1 R3, इसका मतलब क्या हुआ R1 के प्लेस पे R3 को हमने लिखा, R3 के प्लेस पे हमने R1 को लिखा। फिर इसी तरीके से ये भी हो सकता है R1 इंटरचेंज विद R2, R2 इंटरचेंज विद R3, क्लियर है। तो कोई भी दो रो को आप इंटरचेंज कर रहे हो, उन दोनों प्लेस को बदल रहे हो, रो 3 को रो 1 बना रहे हो, रो 1 को रो 3 बना रहे हो, रो 1 को रो 2 बना रहे हो, रो 2 को रो 1 बना रहे हो, तो जब कभी भी आप कोई भी दो रो को बदलेंगे, दो रो को बदलेंगे या फिर इसी तरीके से दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, आंसर जो होगा
वो तो सेम रहेगा, मतलब क्वांटिटी सेम रहेगा, लेकिन साइन का अंतर रहेगा। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल कोई ले लेते हैं, कोई एक डिटरमिनेंट है, ध्यान से देखिए, डिटरमिनेंट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, फिर डिटरमिनेंट को समझाने में अच्छा होगा। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग सपोज करते हैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहला रो में पहला एलिमेंट क्या है, वन, तो वन को हमने लिखा, वन जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हमने ढका, क्या बचेगा, 5 8 6 9। बीच में माइनस, नो साइन चेंज, यस साइन चेंज, तो माइनस लगा दिया हमने। फिर टू, टू जिस रो और कॉलम में आ रहा है हमने उसको ढका, क्या बचा, 4 7 6 9। प्लस थ्री, थ्री जिस रो और कॉलम में आ रहा है हमने उसको ढका, क्या बचेगा, 4 7 5 8। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से बताइए, 1 इंटू जो वैल्यू आएगा वही रहेगा, तो वैल्यू को सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, 5 इंटू 9 45 माइनस 6 इंटू 8 48 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 9 36 माइनस 6 इंटू 7 42 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 8 32 माइनस 5 इंटू 7 35। अब इसके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, 45 माइनस 48 क्या हो जाएगा, माइनस 3, माइनस 2 है, और 36 माइनस 42 ध्यान दीजिएगा माइनस 6, और माइनस 6 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 12, 32 माइनस 35 क्या आएगा, माइनस 3, माइनस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, प्लस 9, तो 12 प्लस 9 क्या होगा, 21 माइनस 3 दैट इज 18। तो हम लोगों को आंसर आ गया 18। अब इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं, तो यहां पे मैं सिर्फ रो में चेंज ला रहा हूं, कोई दो रो को चेंज कर रहा हूं, आप किसी दो कॉलम को चेंज करके देखिएगा क्या फर्क पड़ रहा है डिटरमिनेंट में। तो हम ऐसा सपोज करते हैं R1 को हम इंटरचेंज कर दिए R2 के साथ, तो नया डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, तो R1 के जगह पे अब R2 लिखा आएगा, R2 क्या है, 4 5 6, तो वो R1 के प्लेस पे लिखा जाएगा, और R2 के प्लेस पे क्या लिखा आएगा, R1, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, और बाकी R3 में तो कोई छेड़छाड़ी और नहीं रहा, तो R3 ऐसे ही रहेगा, 7 8 9। अब इसके वैल्यू को निकालिए, देखिए क्या होता है, 4 को हमने लिखा, 4 जिस रो और कॉलम में आ रहा ढका हमने, क्या बचा, 2 8 3 9 2 8 3 9। बीच में माइनस दिया हमने, 5 को लिखा, 5 जिस रो और कॉलम में आ रहा हमने ढका, क्या बचा, 1 7 3 9 प्लस 6 6, जिस रो और कॉलम में आ रहा हमने ढका, क्या बचा, 1 7 2 8। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 18 माइनस 8 इंटू 3 24 माइनस 5 है, ध्यान देना है, माइनस 5 इंटू 1 इंटू 9 9 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 21 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 8 8 माइनस 7 इंटू 2 14। तो ध्यान से देखिए, 18 माइनस 24 क्या हो जाएगा, माइनस 6, माइनस 6 इंटू 4 क्या होगा, माइनस 24। ध्यान से देखिए आगे क्या है, 9 माइनस 21, तो 21 में 9 जाएगा, तो क्या होगा, 12 हो जाएगा, माइनस 12 इंटू प्लस 5 प्लस 16 8 इंटू माइनस 14, डिफरेंस क्या आ जाएगा, माइनस 6 का, और माइनस 6 इंटू माइनस 6 क्या हो जाएगा, 36। कैलकुलेट करते हैं, 6 प्लस 4 0
3 प्लस 2 माइनस 36 प्लस माइनस 24 6 प्लस 4 0। तो हमने प्रोबेबली कहीं मिस्टेक किया है। 18 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24 12 प्लस 9 दैट इज 21। ठीक है, तो माइनस 12 माइनस 5 तो प्लस 60 हो गया। 8 माइनस 6 दैट इज माइनस 6 माइनस 6 तो ये तो हम लोगों को गड़बड़ आ जा रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे माइनस 60 आ जा रहा है, यहाँ पे प्लस 60 है, तो आंसर तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। तो देखते हैं, हमने शायद इसको कैलकुलेट करने में प्रोबेबली मिस्टेक किया। 2839 ठीक है, 1739 ठीक है, 1728 ठीक है, 9 2 18 8 3 24 माइनस 5 9 into 1 9 7 3 21 6 8 8 7 2 14। सो प्रोबेबली हमने यहाँ पे शायद मिस्टेक किया हो। 1 को हमने ढका, क्या बचेगा 5 8 6 9। 2 को हमने ढका, क्या बचेगा 4 7 6 9। 3 को हमने ढका 4 7 5 8। 5 into 9 45 6 into 8 48 2 into 4 into 9 36 7 into 6 42 4 into 8 32 7 5 are 35 तो 45 minus 48 minus 3 minus 2 or minus 6 तो +12 sorry देखिए हमने यहाँ पे मिस्टेक किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये -3 होगा, तो -3 into 3 क्या हो जाएगा -9 होगा। -9 -12 +12 दैट इज 0, क्योंकि यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है और यहाँ भी आंसर क्या आ गया 0। लेकिन जब आप दूसरा कोई एग्जांपल लोगे, हम सपोज करते कि यहाँ 5 आता, तो ये जब हम इंटरचेंज करके बनाते तो यहाँ पे आंसर हम लोगों का क्या आता -5। लेकिन इस क्वेश्चन में 0 आ रहा है, 0 माइनस 0 आंसर तो सेम रहेगा। तो ये थोड़ा सा हॉचपॉच हो गया। आप कोई और एक डिटरमिनेंट, कोई भी रैंडमली एक डिटरमिनेंट ले लीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कीजिएगा, देखिएगा क्या आंसर माइनस का डिफरेंस है या नहीं, मतलब क्वांटिटी सेम है और माइनस दूसरे के साथ लग रहा है। अगर पहले के साथ, ध्यान से समझिए, अगर इसका आंसर 5 आता तो उसका आंसर क्या आना चाहिए -5 इंटरचेंज करने के बाद। लेकिन अगर पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू -5 आ रहा है तो आंसर क्या बोलता है, इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए +5, मतलब इसका वैल्यू जो है नेगेटिव के डिफरेंस में आएगा। तो माइनस ऑफ -5 दैट इज क्या हो जाएगा +5। सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप करेंगे खुद से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मेरे को लगा 18 आ रहा है तो उसका -18 आएगा, लेकिन हमने यहीं पे गलत कैलकुलेट किया। अगर पहले ही पता चल जाता ये 0 होगा तो हम लोग आगे उसको सॉल्व भी नहीं करते, फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेकिन आई होप आप समझ पाए होंगे, आप एक बार खुद से कोशिश करेंगे और अगर कोई भी डाउट रहे तो उसको पूछेंगे। चलिए हम लोगों ने सेकेंड प्रॉपर्टीज को समझा, अब थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0, मैंने पहले ही आपको बताया था कल वाले क्लास में। फोर्थ प्रॉपर्टी भी मैंने आपको पहले ही समझाया है। फिफ्थ प्रॉपर्टी नहीं बताया। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है देखिए समझिए, बोलता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द सम ऑफ टू क्वांटिटी, मतलब कुछ ऐसा है a1 प्लस अल्फा a2 प्लस बीटा a3 प्लस गामा b1 b2 b3 c1 c2 c3। हम क्या देख रहे हैं कि कॉलम 1 को हम दो, यहां पे दो टर्म ऐड के फॉर्म में आ रहा है,
तो बोलता है भाई साहब आप यहाँ से दो मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो, और क्या हो जाएगा दोनों मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स बनाओ जिसमें इसको कॉलम वन का फॉर्म दे दो, तो कॉलम वन क्या हो जाएगा A1, A2, A3 और बाकी जो है सब सेम, दो कम से रहना चाहिए, दो रो या दो कॉलम अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स को तोड़ रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी एक कॉलम को साथ एडिशन के फॉर्म में लाना चाहते हो तो बाकी जो दो बचा कॉलम है वो सेम रहना चाहिए दोनों में, उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा A1, A2, A3, बाकी B1, B2, B3, C1, C2, C3 ऐसे के ऐसा ही रहना चाहिए। और दूसरा एक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, प्लस साइन हमने डाला अल्फा बीटा गामा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने सम के फॉर्म में, दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखा है और ये दोनों कॉलम सेम है। तो जब भी आप ब्रेक करेंगे उसी तरह अगर एक रो में ऐसा लिखा होता तो बाकी का दो रो सेम दोनों मैट्रिक्स में रहता, सिर्फ वही रो में अंतर पड़ता, एक रो में पहला वाला पार्ट आ जाता, दूसरे रो में दूसरा वाला पार्ट आ जाता। क्लियर है? इसी तरह से अगर यहाँ माइनस रहता, माइनस माइनस माइनस, तो हम लोग इसको दो मैट्रिक्स के डिफरेंस में तोड़ सकते थे, माइनस लगा देते सिर्फ, तो काम बन जाता। लेकिन हालांकि इन प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज का उतना यूज नहीं है, तो सिर्फ समझना है, अगर क्वेश्चन में आएगा तो समझेंगे, वरना सिर्फ एक माइंड में किसी कोने में रखना, हाँ ऐसा कुछ होता है हमने पढ़ा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने पहले ही डिस्कस किया, तो आज यहाँ पे हम लोगों का बेसिक प्रॉपर्टीज कवर हुआ एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी को थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास जो लूंगा वो लाइव क्लास लूंगा, ताकि आपके मन में जितने भी सवाल आ गए इससे रिलेटेड उसको क्लियर कर दूं, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस वहीं पे बनाएंगे डिटरमिनेंट से रिलेटेड, तो जिससे हम लोगों का काम आसानी से बन जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, लाइव क्लास होगा हम लोगों का नेक्स्ट क्लास, तो उसमें हम लोग मिलते हैं। तो ध्यान रखिए अपना से, अपना जल्द और अच्छे से रहिए।